चांदनी ओ मेरी चांदनी। श्रीदेवी चांदनी एक ही बात है। तो श्रीदेवी की चांदनी फिल्म तो हमने देखी है और बहुत ही सराही गई है ये फिल्म। मगर आज मैं श्रीदेवी की चांदनी फिल्म की बात नहीं करूंगी दोस्तों, उनकी आखिरी फिल्म की बात करूंगी जो उनकी याद को हमारे दिलों में छोड़ के चली गई, और वो फिल्म थी मॉम, श्रीदेवी की लास्ट फिल्म। इसके बारे में बात करेंगे, इसके पीछे की सच्चाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर ने इस फिल्म की थी सिफारिश। उन्होंने कोई वॉइस ओवर या कुछ वीडियो नहीं भेजा अपना, मगर उन्होंने एक सिफारिश जरूर की कि मैम इस फिल्म की चर्चा जरूर कीजिए अपने सेक्शन फिल्मी बात अंजू के साथ में। तो उनकी जो फरमाइश है वो सर माते, इसीलिए आज उसी फिल्म की बात करते हैं जिसके लिए फरमाइश की गई है, यानी कि मॉम। मगर उससे पहले एक गुजारिश है दोस्तों कि हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों मॉम फिल्म श्रीदेवी की लास्ट फिल्म थी, जैसे मैंने बताया 2018 में श्रीदेवी की डेथ हुई थी। वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से डेथ हुई थी जिसका अभी तक कोई भी क्लू नहीं समझ में आया है कि कैसे हुई और किस तरह अचानक से हो गई। चलिए खैर उसमें अब हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो अब नहीं रही, तो उस बात को क्यों छेड़ना। तो लास्ट फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था मॉम। एक ऐसी मॉम जिसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक रिवेंज लिया, ये पूरी फिल्म की कहानी में आता है। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी मॉम जो बहुत ही कह सकते हैं कि हाउसवाइफ है, जो बिल्कुल घर के अंदर ही रही है, जिसने बाहर ज्यादा कुछ नहीं देखा है, अपने बच्चों और अपने पति में ही जीवन जो है उनका रहता है। पर जब उनकी बेटी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होता है तो कैसे एक मॉम स्टैंड लेती है और फिर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाती है। तो ये है कहानी इस फिल्म की, जिसमें श्रीदेवी मॉम का रोल कर रही थी और बाकी सारे क्रैक्टर्स भी इस फिल्म में उनके साथ थे। तो ये फिल्म जुलाई 7th को रिलीज हुई थी 2017 को, सेम डेट जिस डेट पे श्रीदेवी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1967। तो देखिए कितनी लंबी जर्नी है श्रीदेवी की फिल्म इंडस्ट्री में, कि 1967 से जो जर्नी उनकी शुरू हुई 2017 में जाके जर्नी एंड अप हुई। तो इसके बाद बात करते हैं श्रीदेवी की 300th फिल्म थी ये, 300 फिल्म का सफर इस फिल्म के साथ उनका पूरा हुआ था और 50 इयर्स की उनकी जर्नी पूरी हुई थी। तो क्या बात है, श्रीदेवी को सैल्यूट करना बनता है। जहां भी है वो अभी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगी, अच्छी लाइफ, एक नई लाइफ में होंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको जी रही होंगी, ये मैं जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में, इतनी अच्छी यादें उन्होंने छोड़ी है अपनी कि लोग बार बार उनकी फिल्में देख के उनको याद करते ही रहते हैं। बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था। एक्टर तो वो बहुत अच्छे है ही, और इस फिल्म में खास करके उन्होंने एक अलग ही लुक ली थी जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखती थी, यानी कि अगली लुक लेके एक जासूस का रोल प्ले किया था। बट एक चीज यहाँ पे मेंशन इसलिए करनी जरूरी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये रोल क्यों किया, क्योंकि उनको तो अभी हीरो के रोल मिल रहे थे, उनके ऊपर सेंट्रिक फिल्में हो रही थी, बट 2017 में उन्होंने एक ऐसा रोल किया जो करेक्टर रोल था, कैमियो रोल था। तो वो क्यों किया, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात को रिवील किया और कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी के लिए इस फिल्म को करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी के साथ कभी कोई काम नहीं किया था, उनकी इच्छा थी कि वो श्रीदेवी के साथ काम करें, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए हाँ की और ये रोल बाखूबी निभाया भी है। ना एक एक्टर का दूसरे एक्टर के लिए कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी रिस्पेक्ट जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने श्रीदेवी को दी। दोस्तों इस फिल्म के साथ एक और घटना जुड़ी हुई है जो हमारे करंट सिचुएशन को भी, तो दोस्तों इस फिल्म की एक और घटना का जिक्र करते हैं, क्योंकि इसमें दो ऐसे करेक्टर्स थे, एक्टर्स थे जो पाकिस्तान से थे, जिनका नाम था सेजल अली जो बेटी का रोल जिन्होंने प्ले किया था, और अदनान सिद्दीकी, दोनों पाकिस्तान से थे। अब पाकिस्तान से थे और उस टाइम पे जब ये फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होने वाला था तो उड़ी अटैक यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन काफी खराब हो चुके थे। ये भी हो चुका था कि काम नहीं करना है, कोई भी चीज का जो है एंटरटेनमेंट का भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कलाकार इधर से उधर नहीं जाएगा, पर ये दोनों कलाकार इस फिल्म में थे। तो इसीलिए इस फिल्म का क्लाइमेक्स का जो सीन था, जो पहले शूट होना था दिल्ली में, मगर इस टेंशन की वजह से पूरा का पूरा शूट जो था बैंकॉक पे शिफ्ट कर दिया गया और वहां पे इस फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह क्लाइमेक्स में
विलन को मार दिया जाता है और सारा जो क्लाइमेक्स है वो बर्फ में है। अगर दिल्ली में होता तो ऐसा सीन नहीं होता, कुछ और तरीके से ये सीन होता। तो इस वजह से ये सीन था जो बाहर बैंकॉक में शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं म्यूजिक की। तो इस फिल्म में जो फिल्म श्रीदेवी सेंट्रिक थी, उस फिल्म में पहली बार श्रीदेवी की फिल्म में एआर रहमान साहब ने म्यूजिक दिया था। तो है ना कितनी अच्छी बात, इतने बड़े लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने पहली बार श्रीदेवी जो अपने आप में एक आइकॉन थी, दीवा थी, उनकी फिल्म में म्यूजिक दिया। तो इस फिल्म में एक और किरदार थे जो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में थे, यानी कि विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना। काफी फेमस एक्टर, काफी अच्छे एक्टर जिनको आपने दिल चाहता है में भी देखा होगा। तो अक्षय खन्ना विनोद खन्ना के बेटे थे। अब विनोद खन्ना के साथ श्रीदेवी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था चांदनी। जी हाँ, मैंने शुरू में गा के आपको बताया था। तो ये फिल्म श्रीदेवी की और विनोद खन्ना की हुई थी और उसके बाद काफी टाइम के बाद पहली और आखिरी बार श्रीदेवी के साथ अक्षय खन्ना ने काम किया। ये उनकी पहली फिल्म भी थी और आखिरी फिल्म भी थी, क्योंकि इसके बाद श्रीदेवी की डेथ हो गई थी। तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है इस फिल्म की, और खास करके विनोद खन्ना के साथ जब इतनी बढ़िया इतनी हिट फिल्म करने के बाद इतने सालों बाद उन्होंने उनके बेटे के साथ काम किया, तो वो उनकी पहली और आखिरी फिल्म बन गई अक्षय खन्ना की। अगर वो जिंदा होती तो शायद आगे भी फिल्में करने का मौका मिलता अक्षय खन्ना को। अब लास्ट में आपको बताती हूँ कि श्रीदेवी ने कितनी देर के बाद कमबैक किया था, क्योंकि बीच में श्रीदेवी की फिल्में आनी बंद हो गई थी, क्योंकि वो काफी बिजी हो गई थी अपनी बेटियों में, अपने बच्चों की लाइफ में, फ्यूचर में। और फिर उनकी फिल्म आती है इंग्लिश विंग्लिश। फिल्म रिलीज हुई थी 2012 में। फिर से उन्होंने गैप लिया 2012 से 2017 तक का 5 ईयर्स का गैप लिया, और फिर उन्होंने फिल्म दी सारी मॉम्स को और सारी फीमेल्स को, जो फिल्म थी मॉम जो 2017 में रिलीज हुई। तो अपने गैप के बाद अच्छी अच्छी फिल्में लेके श्रीदेवी आती रही और आती रहती अगर वो जिंदा रहती। तो ये थे मॉम के किस्से, बिहाइंड द सीन जो फैक्ट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको भी कुछ फैक्ट्स या कुछ ऐसी बातें पता हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मन की बात करना चाहते हैं, श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, या जो भी आपके दिल में है किसी और फिल्म के लिए, किसी और एक्टर के लिए आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप अपना ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। और अगर आपको वीडियो भी भेजना है तो इसी नंबर पे भेजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। और मैं यही कहूंगी कि मेरे साथ फिल्मी बात अंजू के साथ इसका पार्ट बनिए और अपने आप को सुनिए, अपने आप को देखिए। मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा जब आप और हम मिलके करेंगे फिल्मों के बारे में बातें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।